नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार, आप सभी का बीएसटी ऑल्टिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ पे 2022 से 23 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022 से 23 का अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे जो बताया गया है, जो 2022 से 23 के लिए जो लाभुक हैं, जिन्हें सेकेंड किस्त के बारे में बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक मिल चुकी है। दिनांक 30 नवम्बर 2023 तक थर्ड किस्त के लिए आवेदन देना सुनिश्चित करें। यानी आवेदन का मतलब है वो उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है थर्ड किस्त के लिए आपको देना पड़ेगा। तो जिनका 31 अक्टूबर 2023 तक सेकेंड किस्त मिल चुका है, उनका सेकेंड किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो अंतिम तिथि है 30 नवंबर यानी 30/11/2023 तक है। थर्ड किस्त के लिए आवेदन देना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार सेकेंड किस्त के लिए आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। इसके बाद आवेदनों हेतु पोर्टल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि सेकेंड किस के लिए जो जैसे कि मान लेते हैं थर्ड किस के लिए भी 30 नवंबर है और सेकेंड किस के लिए भी 30 नवंबर तक जो अंतिम तिथि है उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का। सेकेंड किस के लिए जो पहला किस आपको अगर मिल गया है तो पहला किस के आप अपलोड करेंगे तो द्वितीय किस मिलेगा, द्वितीय किस अपलोड कर देंगे तो तीसरा किस मिलेगा। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र, अब एक शब्द में मैं बात करूँ तो उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2023 रखा गया है। तो ये इस 30 नवंबर से पहले आपको ध्यान में रखना है। जो भाई उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर आप अपलोड कर दीजिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र की अपलोड करते समय क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या होगा, सभी पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इम्पोर्टेंट जो जो वीडियो होगा मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियो को आप देख लीजिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट सब बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 22 से 23, 23 से 24, पूरा वहाँ पे दिया हुआ है। उसमें जाकर के आप पूरा देखेंगे बारीकी से, मैं प्रथम किसके लिए, द्वितीय किसके लिए, सभी पे मैंने डाल दिया हूँ। या तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे बीएसटी ऑल टिप्स उपयोगिता प्रमाण पत्र, या उपयोगिता प्रमाण पत्र बीएसटी ऑल टिप्स, तो वीडियो आपको आ जाएगा, आप वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपको 30 नवंबर तक हर हाल में आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। साथियों, अभी तो 23-24 के लिए बहुत ही यहाँ पे करी यहाँ पे आया हुआ है कि भाई जो उपयोगिता प्रमाण पत्र जो भी आप अपलोड करेंगे 2 से 3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आपको नोडल पदाधिकारी होता है, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, वो संरक्षण करेंगे, वो देखेंगे। बहुत ही समस्या आ गई है, लेकिन आपको 22 से 23 वाले के लिए ऐसा कोई समस्या नहीं है। आप वहाँ पर जाएँ, अपलोड करें। विशेष जानकारी के लिए आपको प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाएं। वहां से भी अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो के कमेंट में पूछें, अगर वहां भी नहीं समझ में आया तो अपने जिला उद्योग केंद्र में जाएं, वहां से आप बात करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।